ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग की नहीं बल्कि शिव के अंगूठे की होती है पूजा, और जब इन्हें चढ़ाया जाता है पानी तो वह रहस्यमय ढंग से हो जाता है गायब। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना आपके लिए रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों की खास जानकारी लेके आते हैं। आज इसी पहल में हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के एक अनोखे मंदिर की। माउंट आबू में अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में से उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। दरअसल भगवान शिव के अंगूठे के निशान मंदिर में आज भी देखे जा सकते हैं। इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी आज भी एक रहस्य बना हुआ है। माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव के छोटे बड़े 108 मंदिर हैं। माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित अचलगढ़ मंदिर पौराणिक मंदिर है जिसकी भव्यता देखने को बनती है। इस मंदिर की काफी मान्यता है। माना जाता है कि इस मंदिर में महाशिवरात्रि सोमवार के दिन सावन महीने में जो भी भगवान शिव के दरबार में आता है, भगवान शंकर उसकी सभी मुरादें पूरी कर देते हैं। इस मंदिर की पौराणिक कहानी है कि जब अभूर्द पर्वत पर स्थित नंदीवर्धन हिलने लगा तो हिमालय में तपस्या कर रहे भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई, क्योंकि इस पर्वत पर भगवान शिव की प्यारी गाय कामधेनु और बैल नंदी भी थे। लिहाजा पर्वत के साथ नंदी और गाय को बचाना था। भगवान शंकर ने हिमालय से ही अंगूठा फैलाया और अभूर्द पर्वत को स्थिर कर दिया। नंदी और गाय बच गई और अभूर्द पर्वत भी स्थित हो गया। भगवान शिव के अभूर्दांचल में वास करने का स्कंद पुराण में भी प्रमाण मिलता है। स्कंद पुराण में अभूर्द खंड में ये बात सामने आती है कि भगवान शंकर और विष्णु ने एक रात पूरे अभूर्द पर्वत की सैर की थी। माउंट आबू की गुफाओं में आज भी सैकड़ों साधु तप करते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ की गुफाओं में भगवान शंकर आज भी वास करते हैं और जिससे प्रसन्न होते हैं उसे साक्षात दर्शन देते हैं। पहाड़ी के तल पर 15वीं शताब्दी में बना अचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पैर के निशान आज भी मौजूद हैं। भगवान शिव के सभी मंदिरों में से उन्हें शिवलिंग की पूजा वैसे की जाती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जिसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है, जिन्हें स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह भगवान देवाधिदेव शिव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। पहाड़ी के तल पर 15वीं शताब्दी में बना अचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। गर्भगृह के बाहर वराह, नरसिंह, वामन, कछुप, मत्स्य, कृष्ण, राम, परशुराम, बुद्ध और कलिंग अवतारों की काले पत्थर की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। यहां पर भगवान के अंगूठे के नीचे एक प्राकृतिक गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे में कितना भी पानी क्यों न डाला जाए, लेकिन यह कभी नहीं भरता है। इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी कहां जाता है, यह आज भी एक राज बना हुआ है। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी है वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।